आतंकवाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान, मुर्दाबाद, पाकिस्तान, मुर्दाबाद, पाकिस्तान, मुर्दाबाद, पाकिस्तान। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे बीच में किराड़ी के जो जिम्मेदार व्यक्ति सब मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब हैं। कि नसीम साहब, आप क्या कहना चाहते हैं और हिंदुस्तान के आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं और पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और उन पाकिस्तानियों को ये जवाब देना चाहता हूँ, उससे पहले जो हिंदुस्तान के अंदर हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को गंवा दिया। और पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि सुनो पाकिस्तानियों, तुम छुप छुप के भाओ, खून हमारा लेकिन खून ही देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख ओढ़ ले चेहरे पर नकाब, लेकिन हर बूंद निकलती है बनकर हथेली पर चिराग। और सुनो पाकिस्तानियों, अपने आतंकवादियों से कह दो, जिस खून को तुमने मख्तल में दबाना चाहे, वो खून कूचे बाजार में आ निकला है, कहीं शोला बनकर, कहीं नारा बनकर। ऐसा शोला जो बुझाए ना बुझे, ऐसा नारा जो दबाए ना दबे, फिर खून तो खून है, सो शकल बदल लेता है। और ऐसी शक्लें जो मिटाए ना मिटे, तो फिर पाकिस्तान तेरी औकात क्या और तेरी बात क्या जो तू हमसे टकराएगा। और मैं कहना चाहता हूं उन पाकिस्तानियों से जो छुप छुप कर तुम मुल्क के अंदर हमारे जवानों को शहीद कर रहे हो, कभी पठानकोट पे, कभी उरी में, तमाम ऐसे वारदात को तुम अंजाम दे रहे हो। हिंदुस्तान के जवानों को शहीद करने वालों, मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी गलतफहमी है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती तुम खराब कर दोगे, क्योंकि आज मुल्क के अंदर ना कोई मस्जिद है, ना कोई मंदिर है, ना कोई हिंदुस्तान, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। आज अगर हिंदुस्तान की अवाम सड़कों पर है तो अपने मुल्क की इज्जत, अपने मुल्क की खूबसूरती के लिए है। और मुल्क के मुसलमान रोडों पर, सड़कों पर आकर तुम्हें पाकिस्तानियों यह जवाब दे रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था मुसलमान के लिए, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, और पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा। और पाकिस्तानियों, तुम्हारी कोई भी साजिश हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलने वाली और मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ने वालों। और मैं मुल्क की आवाम से भी यह कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि इस शहादत को तुम लोग, इस शहादत पर राजनीति मत करो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, जवानों की शहादत पर तुम लोग राजनीति मत करो। ये लोग जाकर शहादत, जिस दिन शहीद हुए मेरे 40 जवान मेरे भाई, उस दिन मोदी साहब अपनी सभा कर रहे, अमित शाह अपनी सभा कर रहे, योगी आदित्यनाथ अपनी सभा कर रहे। और सबसे शर्म की बात है कि दिल्ली के अध्यक्ष बीजेपी के मनोज तिवारी जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो नंगा नाच कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। कम से कम जवानों की शहादत पर तुम लोग राजनीति मत करो। और मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोग हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मत मांगो, जवानों की शहादत पर हिंदुस्तान के मुसलमानों से तुम सर्टिफिकेट मत मांगो। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना आम शहरी करता है। और हम लोग कह रहे हैं तुमसे, अगर मोदी जी, जो तुमने वादा किया था प्रधानमंत्री बनने से पहले कि 10 सर के बदले, 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, तो इतने जवानों के सर चले गए, 40 जवान अभी शहीद हो गए, लाओ 400 सर और लाकर हिंदुस्तान के चौराहे पर लटका दो, तो मोदी जी जब हम समझेंगे कि आप देशभक्त हो। और मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी कि आप हिंदुस्तान के लोगों में नफरत ना बांटे, अभी फैसले का वक्त है, फैसला करें। और हिंदुस्तान का मुसलमान आपसे कह रहा है कि फैसला लीजिए, अगर आपके बस की नहीं है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भेजिए बॉर्डर पर, वर्दी दीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमान इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपनी छाती पर तिरंगा लपेट कर आएंगे या पाकिस्तानियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहिए और एक मोहब्बत के साथ इसे मजहब में ना बांटे। हिंदुस्तान के आज जो लोग देख रहा हूं मैं, कुछ कश्मीरी भाई जो हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आज वो लोग परेशान है सिर्फ इस नफरत की वजह से। कम से कम उन आतंकवादियों की सजा मुसलमानों को मत दो मेरे भाई, एक आम इंसानों को मत दो, वो लोग भी हिंदुस्तान के शहरी है। हाँ, जवान शहीद हुए, हम लोग जवानों के साथ है, उनके परिवार के साथ है। और मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आपसे कहना चाहता हूँ, हुकूमत सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब आप 3500 करोड़ पटेल की मूर्ति में लगा सकते हो, तो जो जवान शहीद हुए हैं उनके तमाम शहीदों के घर वालों को कम से कम 5-5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी और पेंशन दो, ताकि उनका परिवार अच्छे से चल सके। मेरे भाई, मैं आप लोगों को यह पैगाम दे रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन की जरूरत है और हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान का भाईचारा है, और हम लोग इन राजनेताओं के चक्कर में ना आकर एक आवाज बनकर सड़कों पर आए और अपने जवानों की शहादत के लिए हक मांगे और उन पाकिस्तानियों को, उन आतंकवादियों को करारा जवाब दे। और फिर मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और ता कयामत लगाते रहेंगे, और पाकिस्तान से नफरत थी, है और हमेशा रहेगी। मेरे की आवाम से कहना चाहता हूँ, सवाल करने की जरूरत है हिंदुस्तान की सरकार से, आखिर ऐसी चूक कैसे हो गई जो 40 नौजवान शहीद हो गए हिंदुस्तान के अंदर, कैसे ऐसी जगह पर जहां पर हर 5 किलो 10 किलोमीटर पर चेक पोस्ट रहता है, इतनी बड़ी गाड़ी जो 350 किलो RDS लेकर घुसती है और जवान की गाड़ियों से टकरा कर जवान की गाड़ी को उड़ा देती है, आखिर ऐसी चूक कैसे हुई। मैं कहना चाहता हूँ, अगर उस आतंकवादियों में अगर हिंदुस्तान का भी कोई शख्स मिला हुआ है तो खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, कीड़े पड़कर मरोगे मेरे भाई। जिस लोगों ने हिंदुस्तान के जवानों के साथ ये खिलवाड़ किया है, चाहे वो हमारे मुल्क का हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, किसी को भी अल्लाह माफ नहीं करने वाला। और मैं मेरे भाई आपके बीच में पहले आता, लेकिन आपको मालूम है कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया और मैं अपनी अम्मी के इंतकाल में अल्लाह से, मेरे साथ दो दो वाक्य 40 जवान शहीद हो गए और अम्मी का इंतकाल हो गया, इबादत चल रही थी एक अम्मी के मगफिरत के लिए, दूसरी मुल्क की हिफाजत के लिए, अल्लाह मुल्क की हिफाजत भी फरमाए और मेरी अम्मी को मगफिरत भी फरमाए। दुआ करिए और ऐसे लोगों से बचिए जो मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जवाब देना है तो दीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान का एक एक बच्चा हिंदुस्तान की आवाम के साथ, हिंदू भाई के साथ मुस्लिम खड़े हैं, सिख के साथ मुसलमान खड़े हैं, ईसाई के साथ मुसलमान खड़े हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। हमारी वफादारी का सर्टिफिकेट मत मांगिए मेरे भाई, हमने पहले भी कहा था कि हमने इस मुल्क के लिए हजारों लाखों उलमाओं ने कुर्बानी दी है, और हमने जिन्ना से कहा था कि जिन्ना तुम्हें तुम्हारा पाकिस्तान मुबारक हो, हमने हिंदुस्तान से मोहब्बत है और हम इस हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खूबसूरती में हिंदुस्तान को अपने ख्वाबों से तामीर करेंगे और हिंदुस्तान का मुसलमान अपने जज्बातों के साथ खड़ा हिंदुस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों के जरिए जो हमला हुआ और हमारे हिंदुस्तान के 44 नौजवानों को उन्होंने शहीद कर दिया, इसके लिए पूरा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ है और हर कोई आंसू बहा रहा है। हम मुल्क हिंदुस्तान के PM से ये मुतालबा करते हैं कि इनका बदला लिया जाए, और अगर इस तरीके से अगर पाकिस्तान के आतंकवादी अगर हमारे मुल्क पर हमला करते रहे, हमारे फौजियों को अगर वो मारते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान का बच्चा अपनी गर्दन को कटाएगा मगर मुल्क हिंदुस्तान के मिट्टी की हिफाजत को करता हुआ नज़र आएगा। ये मुसलमान जान की परवाह नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन की हिफाजत खुद फरमाई है और अपने गुलामों को भी वतन की हिफाजत का हुक्म फरमाया है। हम मुसलमान हिंदुस्तान की खातिर अपने सर को कटा देंगे, अपने बच्चों की कुर्बानी कर देंगे, और अगर जो टेढ़ी निगाह से अगर हिंदुस्तान की तरफ देखेगा और हमारे मुल्क के फौजी दस्ते की तरफ जो भी उंगली उठाएगा, हम उसकी उंगली काट देंगे और उठी हुई आँख हम उसकी फोड़ डालेंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान का बच्चा अपने वतन से मोहब्बत करता है, अपने वतन से वो प्यार करता है। इसलिए आज जो ये गमनाक हादसा हुआ कश्मीर की सरजमीन पर, इसमें मुसलमान का हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी आंसू बहा रहा है और गम में डूबा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने सोग में कर दिया है, ये सोग हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इंशाल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमान का हर बच्चा ये फैसला और इरादा कर लिया है कि जब तक हम इसका बदला नहीं लेंगे तब तक हम चैन और शांति से नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।